पिछले साल भी हम लोगों ने आरटी के फॉर्म भरे थे जिसमें से 50 लोगों का टोटल नाम आया था दोनों लिस्ट मिला के, फर्स्ट सेकंड और पिछले साल थर्ड लिस्ट भी आउट हुई थी, तो तीनों लिस्ट मिला के कम से कम कुछ 50 लोगों का नाम आया था। इस साल हम लोगों ने 111 फॉर्म भरे टोटल, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी फर्स्ट लिस्ट में ही 43 लोगों के नाम आ चुके हैं और 40 लोगों के नाम वेटिंग पर बता रहे हैं अभी, जो सेकंड लिस्ट में आएंगे इंशाल्लाह। और फिर जब सेकंड लिस्ट पार हो जाएगी तो थर्ड लिस्ट भी वो लोग निकालते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑन द ऑफ द गवर्नमेंट, जब मूड होगा उनका तो वो थर्ड लिस्ट भी निकाल देंगे, अगर सीट्स बचेगी या कुछ रहेगा तो हो सकता है उसमें और नाम आ जाए। तो टोटल आई थिंक अगर नेक्स्ट लिस्ट में 40 और आ जाते तो 83 इंशाल्लाह नाम हो जाएगा। तो कौन कौन से स्कूल में नाम आया? देखिए अभी यहाँ पे मुमरा कौसा की जितनी भी प्राइवेट स्कूल से जो ऑफर करती है आरटी के लिए जो रजिस्टर्ड होंगी वो लोग अपने ऑफर करते हैं, जैसे कि अभी जोनले स्कूल हो गई, रोजरी हो गई, मुमरा इंग्लिश हो गई, होली फातिमा हो गई, मुमरा पब्लिक हो गई, और नेशनल स्कूल हो गई, कौसा इंग्लिश स्कूल हो गई, तो ऐसी बहुत सारी स्कूल्स है जो अभी जैसे हम पेरेंट्स जो एरिया में रहते हैं उसके कुछ किलोमीटर्स के 1 किलोमीटर के अंडर में आपके जो स्कूल आती है आप उसको मजे। मैडम अभी आप बता रहे थे कि वो 74 स्कूल में आके मालूमात करी है। जी नहीं, मालूमात नहीं करनी है। देखिए अभी हम ये करते हैं कि जैसे मैंने इनवाइट्स दिए, इंटरव्यूज दिए, तो मैंने ये प्रॉमिस की कि इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूँगी एजुकेशन पर काम करने की, तो मेरी हर चीज़ में हर साल मेरी कोशिशें बढ़ते जा रही है कि मैं जितना हो सके उतना एजुकेशन पे लोगों के काम कर सकूँ। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ट्रस्ट या कोई भी जो हेल्प करेगा वो आपकी 1 साल की कर सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की फीस आपको माफ़ करा सकता है, या स्कूल में प्राइवेट स्कूल कितना ही कुछ कम करेगी, बट जो बढ़ती महंगाई है उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेशन है उनको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी उनके लिए जगह नहीं होती है, सीट्स नहीं होती, आपको पता है, तो उन जगह से हम पिस जाते हैं। तो इसीलिए अगर जो आरटी के तहत अगर हम कुछ बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनके 1 से 8 तक एजुकेशन का पूरा ही पैसा माफ, तो वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, एंड देन उनके लिए बहुत अच्छे से वो लोग आगे से पढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले साल भी की, इस साल और ज़्यादा की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम आ सके। अब उनका फॉर्म भरने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट करेक्ट करने से लेकर सारी चीज़ें हो गई, अब उनका नाम भी आ गया, उनको एडमिट कार्ड भी हमने निकाल के दिया उनको बुलाकर आज, क्योंकि कल लास्ट डेट है, तो हमने आज ही देवासी होने के बाद भी हमने आज अर्जेंट में ये प्रोग्राम रखना पड़ा हमको कि हम उनको एडमिट कार्ड दे दें, तो कल वो 74 और 75 स्कूल नंबर जो मुमरा स्टेशन में स्कूल है, एक गो मार्केट में और एक एमएम वैली मराठी स्कूल, जी जी, और एक एमएम वैली में जो 75 नंबर स्कूल है उर्दू स्कूल मराठी, जी, जो दोनों भी स्कूल्स में आपको जाकर वहाँ पे अधिकारी एक्चुअली आते हैं, ये उनकी तरफ से रहता है स्कूल नंबर, वो डिसाइड करते हैं, वहाँ पर अधिकारी आके बैठते हैं, उधर जाके आपको आपका एडमिट कार्ड बताना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अपनी अपनी स्कूल्स में जाकर वो लोग वो अप्रूव करते हैं वो कार्ड को, फिर आप जाके अपनी अपनी स्कूल में उसको जमा करेंगे, देन आपका एडमिशन फाइनलाइज। बच्चों को अभी दिया गया है? अभी 43 बच्चों का दिया गया, 43 स्टूडेंट्स का अभी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर 40 लोग और हैं। जिन बच्चों का एडमिशन वो प्राइवेट स्कूल रहेगा उनको स्कूल का क्या कॉर्पोरेशन देगा? स्कूल का मैं बताया ना आपको, उनको पूरी 1 से 8 तक की जो स्कूल फी होती है आपको हर महीने की फी होती है 780 रुपीज़, 750 रुपीज़, ये सब उनको नहीं भरना है, पूरे साल उनकी स्कूल की फी जो है वो माफ़ है, फर्स्ट टू एट। किसी स्कूल ने 1st to 10th की ऑफर किया हुआ तो, पर ज़्यादातर अभी पिछले साल ही ज़्यादा 1st to 10th था, इस साल गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा 1st to 8th आया है। उनको स्टेशनरी का कॉस्ट लगता है, स्टेशनरी का कॉस्ट लगता है, यूनिफॉर्म का कॉस्ट लगता है, बाकी सारी चीज़ें जो स्कूल, देखिए स्कूल फी माफ तो आप समझ जाइए उसमें कि स्कूल फी में जो स्कूल फी है अपनी वही माफ।